लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एंड देन इसके अंदर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वन अपॉन में रूट अंडर एक्स प्लस वन. ओके, सो जैसे कि आप सबको पता है कि जब कभी भी आप लोगों को डी बाई डी एक्स करना होता है, लेट्स से साइन इनवर्स एक्स का, तो आपके पास जो इसका आंसर आता है वो आता है वन अपॉन में रूट अंडर एंड देन वन माइनस में एक्स स्क्वायर. और मैंने कहा था आपसे जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है उसको आप लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले, तो एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग डी बाई डी एक्स के साथ. जो इनपुट है यहाँ पे उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो इस बात को आप लोग माइंड में रख के इस सवाल को प्रोसीड कीजिए. याद रखिएगा इस सवाल को करने के मेरे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट तरीका देखिए आपके पास क्या है. सो लेट आप मान लेंगे इस सवाल को पहले, लेट वाई इज इक्वल्स टू दिस कम्प्लीट क्वेश्चन, यानी कि साइन इनवर्स एंड देन वन अपॉन में अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन. ओके, नाउ आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग व्हाट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपने कर दिया यहाँ पे एक्स. तो देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा, आप जानते हैं. यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वाई एंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस साइन इनवर्स एंड वन अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस वन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, सो आपको पता है कि जब कभी भी आप लोग साइन इनवर्स में जो कुछ भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा वन अपॉन में रूट के अंदर आपके पास क्या आएगा वन एंड देन माइनस में जो भी साइन इनवर्स का यहाँ पे वैल्यू है उसको आप लोग लिख देंगे स्क्वायर के फॉर्मेट में. तो ये हो जाएगा वन अपॉन में रूट अंडर एक्स प्लस वन की आपको करनी है यहाँ पे होल स्क्वायर. और मैंने आपसे कहा अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक्स नहीं है तो आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो आपको अब डिफरेंशिएट करना है किसको, आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स वन अपॉन में रूट अंडर आपको करना है एक्स प्लस वन को भी डिफरेंशिएट. ओके, सो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे. तो इसको आप बोल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू, आप इसको बोल सकते हैं वन अपॉन में एंड देन रूट अंडर, ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस में, जब इसकी स्क्वायर आपके पास ओपन होगी तो ये हो जाएगा वन अपॉन में ओनली एक्स प्लस वन. और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके पास एक्चुअल में लिखा हुआ है रूट के अंदर एक्स प्लस वन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वन अपॉन में लिखा है तो आप इसको बोल सकते हैं एक्स प्लस वन की पावर माइनस हाफ. और इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर एन वाला फार्मूला. सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस हाफ एंड देन मल्टीप्लाइड बाई वॉट एक्स प्लस वन की पावर माइनस हाफ, माइनस वन करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे. एंड देन आपको पता है कि आपके पास अब इस इनपुट का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे काम कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स प्लस वन भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, सो ये आपके पास देखिए क्या आने वाला है यहाँ पे. अगर आप इसका एलसीएम यहाँ पे ले लें तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट वन अपॉन में, यहाँ पे इस पूरे का एलसीएम जो आने वाला है वो आने वाला है ओनली एक्स प्लस वन. ओके, यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन माइनस वन एंड देन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपके पास है माइनस में हाफ. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये आपके पास कंप्लीट आंसर दे देगा कितना, इसको आप बोल सकते हैं एक्स प्लस वन की पावर माइनस का थ्री बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा वन और वन का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा जीरो. तो आप इसको बोल सकते हैं वन प्लस जीरो, आप चाहे तो जीरो ना लिखें. ओके, नाउ देखिए ध्यान से, ये आपके पास जो लिखा हुआ है एक्स प्लस वन नीचे ये जा सकता है ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, ये पूरी चीज़ आपके पास रूट में थी तो ये हो जाएगा रूट के अंदर एक्स प्लस वन एंड देन डिवाइडेड बाई रूट के अंदर, यहाँ पे वन से वन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस का हाफ है आपके पास. एंड देन इसको आप बोल सकते हैं डिवाइड में आ जाएगा ये और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन की पावर एक्चुअल में थ्री बाई टू. ओके, नाउ इनटू में आपके पास वन है, एक चीज़ देखिएगा ये है आपके पास पावर हाफ और ये है आपके पास पावर थ्री बाई टू, तो ये पावर्स कट सकती हैं यहाँ से. सो आप इसको बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट इज इक्वल्स टू, आप बोल सकते हैं वन अपॉन में रूट एक्स आपके पास बचेगा यहाँ पे हाफ पावर, अगर इस थ्री बाई टू पावर को काटेगी तो आपके पास बचेगा सिर्फ वन, तो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाइड बाई माइनस का वन बाई टू. याद रखिएगा जहाँ कहीं भी आप माइनस लिखते हैं तो उसको कोशिश कीजिए आप लोग ब्रैकेट्स में लिखने की, वरना ये सवाल थोड़ा एम्बिगस हो जाएगा पढ़ने के लिए. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में हाफ एंड देन यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखिए हाफ और यहाँ पे था डेढ़, आपके पास हाफ चला गया तो आपका बचेगा सिर्फ वन, तो ये हो जाएगा ओनली एक्स प्लस वन एंड मल्टीप्लाई भाई आपके पास वन था. तो आप इस पूरी चीज़ को बोल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस के हाफ को आप लोग ले लें बाहर, ये हो जाएगा आपके पास रूट एक्स और ये हो जाएगा आपके पास ओनली एक्स प्लस वन. तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन हुआ जब हमने नॉर्मल मेथड को अप्लाई किया उसकी वजह से. ओके, नाउ हम लोग देखते हैं क्या हम लोग इसको जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसको क्या हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या. ध्यान से देखिए, आपके पास जो सवाल दिया हुआ है वो गिवन है आपके पास साइन इनवर्स एंड देन वन अपॉन में वॉट
रूट अंडर आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वन। आपको कुछ भी करके अगर आप यहाँ पे साइन की चीज़ बना सकें, जो इसके अंदर इनपुट में लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप साइन की चीज़ बना सकें देन साइन इनवर्स से वो साइन की चीज़ हो सकती है कैंसिल आउट, और आपका फिर आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिफरेंशिएट हो सकता है। ओके सो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे लेट से 10 थीटा पुट कर दिया। ओके देखते हैं मैं क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे। ओके 10 थीटा मत पुट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर आप 10 थीटा प्लस 1 करेंगे तो आपके पास कोई भी चीज़ ऑप्टेन नहीं हो पाएगी। तो आप लोग यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा पुट करने की कोशिश कीजिए, ये सब कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस से करना आएगा। ओके अब ध्यान से देखिए, अगर आपने पुट एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास जो थीटा हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 10 इनवर्स एंड देन अंडर रूट एक्स। ओके सो ये आपके बाद में काम आएगा जब आप लोग बाद में थीटा की वैल्यू को पुट कर रहे होंगे वहाँ पे। ओके अब ध्यान से देखिए आपके पास सवाल क्या बनने वाला है। सो ये पूरा सवाल आपका बन सकता है साइन इनवर्स एंड देन ये हो जाएगा आपके पास 1/ में रूट अंडर एक्स की जगह पे आपने पुट किया 10 स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा एंड +1। ओके अब ध्यान से देखिए, सो आप पहले ही क्यों ना इस सवाल को कुछ मान लें, लेट आपने बोल दिया वाई इज इक्वल्स टू दिस कम्प्लीट क्वेश्चन, ताकि हमें बाद में डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। सो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू दिस कम्प्लीट फंक्शन एंड देन आप इसको बोल सकते हैं कि आपको पता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो आपके पास होता है वो होता है sec² थीटा, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड देन दिस कैन बी रिटन एज 1/√ कम्प्लीट sec²θ। ओके नाम आपको पता है sec²θ जब निकलेगा रूट से बाहर तो ये आपको दे देगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एंड देन 1/ में ओनली sec θ। ऑल राइट और ध्यान से देखिए, आपको पता है 1/ में sec जो होता है वो होता है आपके पास cos। ओके सो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू वॉट साइन इनवर्स एंड देन इसको आप बोल सकते हैं cos θ। बट आपको इस साइन इनवर्स को कटअप करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए साइन, तो आपको पता है कि आप लोग कॉस को कैसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं ऐसे भी, वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स आपके पास है ही, एंड आप इस कॉस को बोल सकते हैं साइन एंड देन π/2 - θ। इसको करने से आप लोगों का ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में ही, और सवाल आपका हूबहू यही चीज़ रहेगी। ओके नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका साइन इनवर्स से साइन फंक्शन हो सकता है कैंसिल आउट, आपको ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू ओनली π/2 - θ। ओके और थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, थीटा की वैल्यू थी आपके पास 10 इनवर्स √x, तो क्यों ना हम इसको लिख दें यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा π/2 माइनस में ये था आपके पास कितना 10 इनवर्स √x, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स एंड देन √x। नाउ आपने काम किया यहाँ पे, आपने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप करते हैं यहाँ पे x, देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे। सो आप जानते हैं दोनों साइड आपका d by dx लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास d by dx ऑफ दिस y इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ दिस कम्प्लीट थिंग, यानी कि π/2 एंड माइनस में आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स √x। ऑल राइट अब देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, क्यों ना हम लोग d by dx को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर ले दोनों के ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हम कर देते हैं इस काम को। सो ये हमारे पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d by dx ऑफ ओनली π/2 एंड माइनस में d by dx ऑफ वॉट 10 इनवर्स √x। ओके नाउ देखिए ध्यान से, आपको पता है y और x के अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास देखिए कितना, ये हो जाएगा dy/dx π/2 बीइंग अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0 माइनस में। आप सबको पता है कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, तो आपको पता है कि सिंस d by dx ऑफ, अगर आप करते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स कोई भी वैल्यू यहाँ करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 1/1+ में उस वैल्यू की स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको उस वैल्यू के डिफरेंशिएशन से भी। ओके सो देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे, आप इसको बोल सकते हैं 1/1+ एंड देन रूट के x की स्क्वायर आपके पास होगी ओनली x, बट आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आप किसको, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी थी उसको भी। ओके सो आपके पास dy/dx जो ऑप्टेन हो गया आएगा एट लास्ट, वो आपके पास आएगा 0 माइनस को मत लिखिए, डायरेक्टली आप माइनस साइन को लिखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 1/1+x एंड देन आपको पता है √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 एंड देन √x। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके पास जो dy/dx आ रहा है वो आ रहा है माइनस में 1/1+x एंड देन इनटू में √x, और देखिए ध्यान से यहाँ से भी आपके पास शायद यही आंसर आ रहा है। देखिए माइनस में हाफ है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास माइनस में हाफ है, माइनस ये रहा और हाफ ये रहा। ओके एंड देन यहाँ पे आपके पास √x इनटू x+1 है, और यहाँ पे भी देखिए आपके पास
रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वन है. ओके सो आप लोग मेथड कोई सा भी अप्लाई कीजिए, आपके दोनों तरीके से आंसर सेम टू सेम ही आने वाले हैं. आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप कोशिश कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की, उसके बाद आप लोग डिफरेंशिएशन को अप्लाई कीजिए. ओके सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था. आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज जरूर कर लें. ओके okay?